साल का परमिट, मजा आ गया। हाँ जी दोस्तों, मजा आ गया। ऑटो वालों का जो परमिट है वो 10 साल का परमिट मिल गया है, तो ऑटो वालों के तो मजे आ गए। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा ये जो 10 साल का परमिट मिला है ये किसको मिला है, सारी जानकारी आपको दूंगा। जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि दिल्ली में अब जो NCR की गाड़ियां हैं UP हरियाणा राजस्थान, वो बिना रोक टोक के दिल्ली में अब चलेंगी। तो उसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने 10 साल का परमिट जारी किया है ऑटो वालों के लिए। ये किन ऑटो वालों को मिलेगा इसकी जानकारी पूरी मैं दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जानकारी से भरपूर वीडियो बनाता रहता हूँ, चाहे वो ड्राइविंग संबंधित हो, RTO संबंधित हो, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन संबंधित हो, या फिर लाइसेंस या अन्य किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित हो। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन ऑटो ड्राइवर भाइयों को ये 10 साल का परमिट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ UP NCR ऑटो को मिला दिल्ली से 10 वर्ष का परमिट। हाँ जी दोस्तों, जो UP NCR ऑटो चलते हैं उनको दिल्ली की तरफ से 10 साल का परमिट जो है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 10 साल तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें खबर छपी है। NCR में ऑटो व अन्य कमर्शियल वाहन चलेंगे बिना रोक टोक, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था। चलिए दोस्तों सारी खबर पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें देखिए लिखा है दोस्तों, UP NCR ऑटो के 10 वर्ष के परमिट की वैधता बढ़ाने को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे, क्योंकि UP NCR ऑटो चालकों को बुराड़ी अथॉरिटी द्वारा सिर्फ 6 महीने का तो कभी 3 महीने का परमिट मोहर लगाकर दी जाती थी, जिससे UP NCR ऑटो चालकों और सवारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 25/3/2022 को सवारी वाहनों की निर्बाध यानी कि बिना रोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 4 राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये 10 वर्ष का समझौता किया है इन चारों राज्य की सरकारों ने, ठीक है। इसी के तहत ये 10 साल का परमिट दिल्ली से जो UP NCR की गाड़ियां उनको दिया गया है। कमर्शियल वाहनों को दिल्ली और NCR क्षेत्र में सड़क सहित अन्य करों में छूट का भी प्रावधान है। तो दोस्तों दिल्ली में जो टैक्स लगता था उस पे भी छूट मिलेगी, इसलिए NCR में स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए नया संयुक्त RCTA NCR योजना बोर्ड के नेतृत्व में सहयोग के उच्च स्तर की शुरुआत है। यह जानकारी NCR प्लानिंग बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर 31/8/2031 तक की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों ये इसमें जो है ऑर्डर की कॉपी भी जारी कर दी गई है, और ये 10 साल का परमिट जो है दिल्ली की तरफ से UP NCR वालों को मिल चुका है। तो दोस्तों ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए जो UP NCR की गाड़ियां चलाते हैं और उनको 6 महीने का कभी 3 महीने का मोहर लगवा के वो परमिट लिया करते थे, अब उनकी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब वो 10 साल तक अपना जो है बिना परमिट के कुछ भी रिन्यूअल फिन्यूअल कराए हुए अपना काम दिल्ली में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जानकारी से भरपूर वीडियो बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।